अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कितना भरोसा करते थे माँ पर, जान मारनी चाहिए आपको। हम अपने दोस्तों से कहते फिरते हैं कि हमारी माँ दिल की कितनी अच्छी है, हमें कितना प्यार करती है, पर नहीं, आप समझ जाओ, हमारी माँ दो दो चेहरे लेकर घूमती है, दो उंगली है हमारी माँ, बिल्कुल उस मंदिरा की तरह। हेलो, क्या कर रही है? नहीं पंडित जी, आज दूसरी बार तुम लोगों ने मेरी तुलना उस मंदिरा के साथ की है। उसके जैसी हूं मैं, क्या मैं लोगों के खून करवाती हूँ, मैं लोगों को किडनैप करवाती हूँ, अपने बच्चों से गंदे काम करवाती हूँ, मैं जिंदगी बर्बाद करती हूँ, मैं नहीं ना, मैं ऐसा कहती थी कि पंडित जी चिल्लर कमा के लाते हैं, हमारे घर में पैसों की कमी तो हमेशा होती थी, पर मैंने कभी भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट की कमी नहीं आने दी, जो था जितना था उसमें खुश रखा है मेरे बच्चों को, जबकि उस नागिन ने अपने परिवार में दुख ही दुख फैलाया है, परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में आंसू भर दिए उसने, और तू कहता है मैं उसकी जैसी हूं, ये सत्तूड़ी खून नहीं है मेरा, ये कसम उसको मैंने अपने सीने से पाल के रखा है, माँ माँ करती है मुझे, जब तू वो मंदिरा उसने अपने बच्चों को अपने पति तक को अपने से दूर कर दिया, और तू कहता है कि मैं उसके जैसी हूं, अरे उसने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल किया, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं तो अपने बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती हूँ, और तू कहना कि मैं वो मंदिर, सच है कि गायत्री भाभी मरकर वापस आ गई, मतलब उनकी आत्मा, गायत्री भाभी की आत्मा हमारे घर पे, शक्ति 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 मम्मा मर गई, मम्मा मर गई, वो गॉड के पास चली गई है। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मा मर गई, तुमने झूठ बोला मुझसे। आपने बस एक बुरा सपना देखा है। नहीं, वो सपना नहीं था, मैं पापा के रूम में था और पापा ने कहा कि माँ मर गई है, मैंने सुना है अपने ईयर्स से। नहीं डॉक्टर शिव, ऐसा नहीं है, हम कह रहे हैं ना कि बस आपने एक बुरा सपना देखा था, आप तो सो रहे थे। सच्ची? सच डॉक्टर शिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइटमेयर था? हाँ नाइटमेयर था। शांत हो जाइए, आपको पता हमने क्या सुना है? कि अगर हम किसी की मृत्यु अपने सपने में देखते हैं ना, तो उस इंसान की उम्र बहुत लंबी हो जाती है, इसका मतलब कि माँ की उम्र बहुत लंबी हो गई है। 1000 years? हाँ 1000 years। अब एक काम करिए, आप सो जाइए। गायत्री भाभी,
मुझे मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे मुझे कुछ मत, मुझे कुछ मत कीजिए। आज तो बस आग लगी है, बहुत जल्द हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर आप सबको एक एक करके हमारे जीते जी, आप सब ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मरने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं दिलवा पाए, हमारे खूनी को सजा नहीं दिलवाए। इसकी सजा आप सबको मिलेगी, एक एक करके सबको मिलेगी। अब हम लौट आए हैं, कोई नहीं बचेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।